वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है एंड काफ़ी सारी अपडेट्स मैं आप लोगों को आज की वीडियो में देने वाला हूँ। है ना, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है, वो निकल कर आती है लूजर्स ब्रैकेट को लेकर। तो जो लूजर्स ब्रैकेट है उसकी लिस्ट हमारे को देखने को मिली है, जो क्राफ्टन है उन्होंने इसको अपने इंस्टाग्राम पर डाला था। एंड मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे को चार ग्रुप्स देखने को मिलने वाले हैं एंड हर ग्रुप में हमारे को जो टॉप फोर टीम है वो जाती हुई दिखाई देगी फाइनल्स के अंदर। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड जो क्लाउन है उन्होंने एक लगाई जहां पे उन्होंने लिखा था अनफेयर लूजर ब्रैकेट इट इज आफ्टर प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एविडेंस, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है एक बहुत ही बड़ी पावर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे को एक पावर देखने को मिली थी कार्ड से रिलेटेड, तो कल हमारे को एक वोटिंग पावर देखने को मिली जो कि ऑडियंस के पास होगी, जहां वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मैप रखना चाहिए लूजर्स ब्रैकेट में। एंड इस चीज को एक्सप्लेन किया अमेजी ने अपनी स्ट्रीम पे, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। हां, तो मैं ये कह रहा था पोजीशन कार्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास थोड़ी सी वोटिंग होने वाली है। वोटिंग ये फैन फेवरेट टीम की वोटिंग नहीं है, ये वोटिंग किसी और चीज़ की वोटिंग है। तो ज़रा चैट सेक्शन में तहलका ना मचाएं, ये वोटिंग फैन फेवरेट टीम की नहीं है, ये वोटिंग मैप्स की है। तो मैप्स वाला वोटिंग होगा, ठीक है। वैसा वोटिंग कराना ज़रूरी है क्या? अरे मैप वाला वोटिंग है रे, वो टीम वाला वोटिंग नहीं है। खैर, पोजीशन कार्ड तुमको पता है जब भी यूज़ किया जाता है तो आपको 1.5x पॉइंट दिए जाते हैं, फिनिश कार्ड जब भी यूज़ किया जाता है तो आपको 2x फिनिश पॉइंट दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। और ये जो दो कार्ड्स है ना, ये दो कार्ड्स आप 6 मैच में एक एक बार यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर सोचो कि किसी ने 3 मैचेस आज के दिन पे खेले और आज के दिन पे उन्होंने एक प्लेसमेंट कार्ड का यूज़ कर लिया, तो कल उनके जो 3 मैचेस बचे हैं ऑब्वियसली उनके पास फिनिश कार्ड ही होगा, उसी का वो यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन में वो दोनों कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते। 3 मैचेस हैं, मानो पहले मैच में उन्होंने अपने पोजीशन कार्ड का यूज़ कर लिया, सेकंड मैच में उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का यूज़ कर लिया, अप टू देम। बट उसके बाद वही है कि लास्ट जो 3 मैचेस होंगे उनके पास कोई भी कार्ड नहीं होंगे, तो कार्ड का जब भी मन करे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आपके पास प्लेसमेंट कार्ड है, पोजीशन कार्ड है, और एक आपके पास फिनिश कार्ड है, तो इन दोनों का आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो। इसके बाद काफी लोग जो स्काउट है उनसे पूछ रहे थे कि वो हमारे को खेलते हुए दिखाई देंगे BGS में, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख। अच्छी न्यूज़ ये है कि वी आर गोइंग टू मैड्रिड, वी आर गोइंग टू मैड्रिड, रियल मैड्रिड, वी आर गोइंग रियल मैड्रिड। अब आपको उसका डेट भी बताया था, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ फुल पावर BGS के लिए। जब जब अपने को चांस मिलेगा अपन खेल लेंगे, ट्रैवल अगर सब नहीं हुआ तो इस बार हम खेल सकते हैं मोस्टली लोअर ब्रैकेट पे, हम लोग है अभी। एक्चुअल में मेरा प्लान था कि मैं एक्चुअल फ्लाइट जो है वो आज रात की थी, बट हमारा वीजा नहीं है कि हम जा नहीं पा रहे, तो अभी मैं हूँ फिफ्थ। जो टीम सोल है वो हमारे को टॉप पे देखने को मिली थी OSK टूर्नामेंट में, उन्होंने जीत लिया था इस टूर्नामेंट को। तो इसके बाद जो सेट भाई है उन्होंने भी एक स्टोरी लगाई जहाँ पे उन्होंने रीशेयर किया था पॉइंट्स टेबल को, एंड साथ में उन्होंने एक सॉन्ग लगाया था कैंपर नाम से, एंड वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो टीम सोल है उनसे काफी लोग एक चीज बोल रहे थे कि टीम को टूटने मत देना, है ना, हमारे को सोल के अंदर 6 प्लेयर देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। कुछ भी हो टीम नहीं टूटना, अरे क्या बात है रफ्तार भाई, बात अलग है, अभी उनपे डिवाइस नहीं है बट बहुत जल्द आ जाएगा उनपे भी डिवाइस, तो वो भी कंपेयर कर। अभी तुम पे डिवाइस अरे मतलब अभी जैसे एंड इसके बाद जो रौनक है उनसे काफी लोग पूछ रहे थे कि उन्होंने 8-bit क्रिएटिव्स को लीव कर दिया, तो इसके ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उन्होंने 8-bit क्रिएटिव लीव करी होती तो अभी तक पोस्ट आ जाता। एंड इसके साथ में उन्होंने कुछ पास्ट मैटर्स के ऊपर बात करी, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख लो। सो यू कैन बी विद देम फ्रॉम नाउ और हैव यू ट्राइड? आर्यन भाई ने ऐसा खतरनाक सवाल पूछा है। देखो ऐसा कुछ ये नहीं है, देयर इज नो बैड ब्लड, ठीक है, जो सवाल आपने पूछा उसका आंसर दे रहा हूँ। सो देयर इज नो बैड ब्लड,
बट यस सब अपने अपने इसमें रहते हैं. 46 टू 46 के वन डे इनकमिंग आई बिलीव इन यू. थैंक यू सो मच ब्रो. यस यस थैंक्स अ लॉट. यस होगा होगा एक दिन जरूर होगा भाई फॉर श्योर होगा. आपके मुंह में घी शक्कर. तेजस शेट्टी दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग. वही मैं बोल रहा था. ऐसा कुछ देखो किसी के हाथ कुछ भी मेरा नहीं है. मैं मेरे को नहीं पसंद किसी के हाथ भी झगड़ा रखना. इवन कोई दोस्ती भी हो कुछ भी हो किसी के साथ भी कुछ भी हर एक चीज में मेरे को नहीं पसंद आता. सो मैं मेरे साइड से सही रखता हूँ. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई. ऐसा होता है क्या जिसके पास पावर होती है वही नियम बनाता और मिटाता है. बाकी सभी ने तुम्हारा तुम अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और वो सब अपनी लाइफ में मस्त है. तुमको भी आगे मूव ऑन करना चाहिए. यस गुड वर्ड्स लोन वुल्फ भाई. यस आई टोटली अग्री विथ यू. बट मैं तुमको वही बोलता हूँ हर कोई हर इंसान सेम नहीं होता ना. हर किसी का दिमाग फीलिंग्स सेक्स वाइज बीट एनीथिंग सेम नहीं होता ना. हर कोई इंसान अलग होता है. सो या समझ जाओ अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. कैसे हो बर जो भूमि स्पोर्ट्स है उनका एक पोस्ट देखने को मिला जहां उन्होंने लिखा था वी आर विशिंग आवर प्लेयर एंड कोचेस बेस्ट ऑफ लक फॉर द जर्नी एट एशियन गेम्स. एंड इसके बाद उन्होंने एक एसके रोसी का पोस्ट डाला था जहां पे उन्होंने हमारे को एसके रोसी के हाथ में एक जर्सी देखने को मिली भूमि स्पोर्ट्स की. तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो हमारे को और ज्वाइन करते हुए देख सकते हैं. एंड इसके बाद काफी लोग जो अल्ट्रॉन है उनसे पूछ रहे थे स्काउट मूवी के बारे में. तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा जहां पे उन्होंने बताया था अगर यूज करना होता तो काफी सारी स्ट्रीम्स में कर लेता एंड काफी सारे पोस्ट भी साथ में कर लेता. एंड ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग बोलते हैं समझते हैं वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड इसके बाद जो मेजी है उन्होंने बात करी थी पीएमजीसी के एक डिसएडवांटेज के बारे में. तो इस पे उन्होंने क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं. सिस्टम हमारे टीम को पीएमजीसी में इफेक्ट करेगा क्योंकि अब तो हमारा स्लॉट है इसके लीक आने लगे हैं. भाई देखो लीक्स वगैरह पे तुम लोग मत जाओ. और सबसे बड़ी बात कि हमारे पास जब वो जोन ही नहीं है तो जब हमारे पास वो जोन नहीं है तो हम वो वाला पॉइंट सिस्टम लेके करेंगे भी क्या. तुम ये खुद सोचो ना कि अगर हमारे पास वो जोन ही नहीं है तो फिर हम वो पॉइंट सिस्टम लेके हम क्या कर लेंगे. पॉइंट सिस्टम हमने बना दिया बट हमारा जोन वैसा नहीं है तो थोड़ा टाइम दो. वो सारी चीजें भी स्टार्ट होंगी जब हमारा जोन वैसा होने लगेगा तो बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी आ जाएंगे. अभी तक तो एज सच कोई एक टीम मुझे नहीं दिखी जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करके खेल रही हो. सो अभी तो मुझे सब बराबर लगते हैं. मुझे लगता है मुझे सच में लगता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. मुझे सच में लगता है कि एक कोई अंडरगॉड टीम आएगी और वो जीत जाएगी. इसीलिए मैं बिग ब्रदर का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उनके अंदर है पोटेंशियल जीतने का और वो जीत सकते हैं. सो मैं बस वेट कर रहा हूँ फाइनल्स का. तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी. एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना.